अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे। हम हाजिर हैं एक दरगाह के नए ब्लॉग के साथ। ये दरगाह शरीफ है माई साहिबा जी की, जो दिल्ली के अच्छी कुतुब इनकलेब के पास है। जो हाँ मेहरौली शरीफ जाएंगे तो ये रास्ते में है पड़ता है अच्छी। हम आपको ज्यारत कराएंगे, मुकम्मल ज्यारत कराएंगे। और जो दरगाह शरीफ है, इनका नाम है हजरत बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा, जो हुजूर महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब की वालिदा साहब हैं। हम आपको मुकम्मल ज्यारत कराएंगे और जानकारी देंगे उर्स कब होता है और आप यहाँ कैसे जा सकते हैं और यहाँ क्या खास बात है, सब कुछ इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह भी लिख सकते हैं आप। ये आप सामने बोर्ड दे सकते हैं, दरगाह हजरत माई साहिबा मदर ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब की आस्थाना शरीफ है। ये सामने पतली गली है, इससे हम अंदर गुजरेंगे। उससे पहले हम आपको सामने का मंजर दिखा दें। ये आप देख सकते हैं सामने रोड है जो मेहरौली शरीफ से आ रहा है और इससे आप मेहरौली शरीफ भी जा सकते हैं। और ये सामने बोर्ड नज़र आएगा आपको, दरगाह हजरत माई साहिब मदर ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब। ये अदचिनी में है और अदचिनी एरिया में है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर की ज्यारत कराते हैं दरगाह शरीफ की, जो बेहद ही खूबसूरत और सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये आप सामने से पतली सी गली से गुजरेंगे और ये गाड़ी खड़ी हुई है हमारी, और हम अंदर चलते हैं और आपको ज्यारत कराते हैं और मुकम्मल ज्यारत कराते हैं और आपको उसकी जानकारी भी देंगे और आप कैसे यहाँ आ सकते हैं और यहाँ की क्या खास बातें हैं वो हम सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और उससे पहले ये आप सामने देख सकते हैं, सामने फूल चादरों की दुकान है इत्र की, और दुआ जो लिखा हुआ है यहाँ हर बुध को बाद नमाज मगरिब एक दुआ होती है, जो इसमें शामिल होने वाले फैज से माई साहिबा के फैज से मालामाल होते हैं। और हम आपको आगे चलते हैं लेकर, और ये सामने आप देख सकते हैं वीडियो में मुझे खाना है और इसके बराबर में लंगर खाना है, जहाँ लंगर खाना तैयार होता है और लोगों को तकसीम किया जाता है। ये आप सामने पढ़ सकते हैं लंगर खाना, जहाँ लंगर बनकर तैयार होता है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको ज्यारत कराते हैं माँ साहिबा उर्फ हजरत बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा और हजरत बीबी जन्नत रहमतुल्लाह अलैहा, जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब की बहन है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर की मुकम्मल ज्यारत कराते हैं। ये आप गेट से हम अंदर आ चुके हैं और हम आपको सामने का मंजर दिखा दें। ये आप देख सकते हैं सामने कमेटी के हजरत बैठे हुए हैं और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये आशियाना शरीफ है और हाँ चिराग और अगरबत्तियाँ लगाई जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सामने आप देख सकते हैं ये मस्जिद है, मस्जिद पे है इंतहाई खूबसूरत है और आशियाना शरीफ की बात ही निराली है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्यारा शाह आशियाना शरीफ है। और चलिए अंदर चलते हैं और आपको ज्यारत कराते हैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब। हर चांद की 29 तारीख को यहाँ अपनी वालिदा साहब के यहाँ तशरीफ़ लाते और यहाँ वक्त गुजारा करते थे। और यहाँ आप हजरात जब भी आना चाहें तो आप यहाँ अदचिनी नई दिल्ली में आ सकते हैं और आपको मैप के ज़रिए भी आ सकते हैं। मैप पे आप लोकेशन लगाइएगा दरगाह माई साहिबा अदचिनी, आपको लोकेशन मिल जाएगी और आप यहाँ पहुँच सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब का कहना था कि यही मेरे दरबार में अगर आपकी दुआ देरी से कबूल हो रही है तो आप मेरी वालिदा साहब के यहाँ चले जाएं और आप वहाँ पर फरियाद और दुआ करें अपनी, और आपकी दुआ बेहद जल्दी कबूल होगी परवरदिगार की बारगाह में। और आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप सामने का मंजर देख रहे हैं जो आशियाना शरीफ है, एक आशियाना शरीफ इसमें हजरत बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह साहब का है। और ये इससे पहले हम आपको ये मजार मुबारक जो दिखा रहे हैं, ये हजरत बीबी जन्नत
रहमतुल्लाह अली साहब के औलाद से औलाद में से हैं और हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं। हज़रत बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा और हज़रत बीबी जन्नत रहमतुल्लाह अलैहा जो हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अली साहब की बहन हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आशा नसरी बना हुआ है। और आप ये भी देखिए, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा कितना प्यारा झूमर लगा हुआ है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हम यहाँ एक अलग ही रूहानियत का मंजर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ जब भी आएंगे और आप महसूस खुद ही करेंगे कि यहाँ कितना चैन और सुकून है। एक रूहानी एहसास सा होता है, सुकून बेहद सुकून मिलता है यहाँ आप। और इस ये दर ऐसा दर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अपनी अपनी फरियाद मन्नतें मांगते हैं और परवरदिगार उनको कबूल फरमाता है। इनके वसीले से की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। हजरत राबिया वसरी जी ने हजरत बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा साहब को ख्वाब में बिशारत की थी और उनको राबिया असर के खिताब से नवाजा था। और आपको राबिया असर के नाम से भी जानते और मानते हैं। और आपका जो मशहूर और मारूफ नाम है वो माई साहिबा जी के नाम से है। और हम आपको मस्जिद का मंजर दिखा रहे हैं, उससे पहले हम आपको माई साहिबा की खिदमत गुजार उनकी भी मजार मुबारक की ज्यारत कराते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये हजरत बीबी हूर और हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैहा की मजार मुबारक है जो माई साहिबा की खिदमत गुजार थी। और सुबहान अल्लाह, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। और आप भी दिल में यकीदा करें और कोशिश करें आप भी औलिया अल्लाह वालों की दरगाह शरीफ पर जाएं और उनसे फैज से मालामाल हों। आप हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब के वालिद साहब का भी वीडियो दरगाह शरीफ की वीडियो देख सकते हैं। हम आप उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी देखिएगा। और सुबहान अल्लाह ये आप देख सकते हैं सामने का मंजर कितना प्यारा कितना खूबसूरत मंजर है। हजरत बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा साहब का उर्स मुबारक जमादुल अव्वल की 28 और 29 तारीख को होता है जो अभी पिछले दिसंबर में हुआ है। 25 दिसंबर को औलिया इकराम से दरबार से फैज से निस्बत रखें और आप उनके दर पर जाएं और अपनी फरियाद दुआएं लेकर जाएं। अल्लाह पाक उनके सदक़े में आपको ये दुआओं को कबूल फरमाए। चलते मिलते हैं अगले ब्लॉग में दरगाह शरीफ के, और अब तक के लिए खुदा हाफिज़।